दोस्तों आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आज भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल में, यानी कलकत्ता मेट्रो रेल में। कलकत्ता मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुआ था। शुरू में सिर्फ ये एस्प्लानेट से भवानीपुर के बीच में चलता था और मात्र 5 स्टेशन थे जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसका विस्तार हो चुका है। और ये टिकट काउंटर है, स्टेशन बोलो, चांदनी चौक, ये टिकट काउंटर है। और हम लोग अभी यहाँ वेंडर मशीन से टिकट ले रहे हैं और उधर आप लाइन पे भी लग के ले सकते हैं टिकट। गए हैं और बैठे हुए मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो बहुत सस्ता है, नहीं लगना, सिर्फ 10 रुपया लगा, ओनली 10 रुपीज। हम लोग 3-4 स्टेशन जा रहे हैं ना, दिल्ली के अपेक्षा यहाँ बहुत सस्ता है मेट्रो का भाड़ा भाई। यहाँ का मेट्रो जो है वो दिल्ली मेट्रो के अपेक्षा थोड़ा सा ये है और बहुत भीड़ है। और ये जो मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जाती है, दक्षिणेश्वर तक जाती है अभी, अगर कालीघाट भी जा सकते हैं, दक्षिणेश्वर भी जा सकते हैं मेट्रो से, और कई जगह जा सकते हैं। और यहाँ शुरुआत होता है कभी सुभाष मेट्रो स्टेशन से शुरू होके दक्षिणेश्वर तक कंटिन्यूस है। बीच में दमदम वगैरह भी है, दमदम एयरपोर्ट वगैरह भी जाना है तो हम मेट्रो से जा सकते हैं। पहले 4 मिनट हो गया, पूरा 1 घंटा। तो भाई अभी कलकत्ता में एक और नया मेट्रो जो हमको लग रहा है इंडिया में पहला मेट्रो होगा जो अंडर वाटर शुरू हो रहा है, और ये हावड़ा से सियालदह को कनेक्ट करेगा, जो हुबली जो रिवर है उसके नीचे से जाएगा। और ये हुबली जो इसका टाइम है वो 3 दिसंबर 2023 में चालू होने वाला है। जैसे वो मेट्रो चालू होगा तो मैं आपको उस मेट्रो का वीडियो दिखाऊंगा। हमारा छोटा सा सफर खत्म हुआ मेट्रो का, हमारा स्टेशन आ गया है, हम लोग उतर रहे हैं। नीलम आगे खड़ी हुई है, बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे, ये देखिए बहुत भीड़। और ये चांदनी चौक स्टेशन है, और दोनों साइड मेट्रो लगा हुआ है। एक चीज है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है तो ओल्ड एज जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम है मेट्रो स्टेशन में। देखिए कितना ऊंचा चढ़िए, हम लोग को चढ़ना पड़ा, ये देखो कितना चढ़ना पड़ा। तो बहुत अच्छा से नहीं बना, स्टिल हम कोशिश किए बनाने का ताकि लोगों को दिखाया जा सके। लेकिन यहाँ का मेट्रो जो है कम्पेयर टू दिल्ली मेट्रो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत इजी टू यूज़ है, और आराम से आप कहीं से भी कहीं आराम से आप जा सकते हो, भी कम रेट बहुत कम अदर सिटीज के हिसाब से बिल्कुल। वैसे यदि कलकत्ता में है तो कलकत्ता के लिए बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोग 4 स्टेशन आए और सिर्फ 10 रुपया लगा एक आदमी का, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में यदि आप चढ़ेंगे तो 40 रुपया लग जाएगा। हाँ, लेकिन दिल्ली मेट्रो थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है, नया है, लेकिन कलकत्ता मेट्रो बहुत ही पुराना है। और हमको लगता है कि ये
30-40 साल पहले से ही यहाँ पे मेट्रो है। तो और यहाँ का मेट्रो बहुत सस्ता है, साफ सुथरा स्टेशन है, अच्छा है, कन्वीनियंट है। तो जब भी आइए तो मेट्रो का यूज़ कीजिए ताकि आपको सुविधा हो सके। और मेट्रो से अच्छी बात यह है कि ये दक्षिणेश्वर तक जाती है, यदि आप इधर जाएंगे दमदम से आगे दक्षिणेश्वर तक जाती है। और इस साइड जो टालीगंज, उसका भी नाम चेंज हो गया है प्लानेट से पार्क स्ट्रीट, हाँ तो उधर तक भी आप जा सकते हैं। बहुत लंबा जो दूरी तय करता है और बहुत अच्छा एक ही लाइन है यहाँ मेट्रो का। तो कलकत्ता मेट्रो बेस्ट है, यहाँ पे आपको सर्विस बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे गोरिल्ला पानी पी रहे हैं, गोरिल्ला जल, इसको क्या बोलते हैं, मोजीटो। वहाँ पे कितना पैसा लेता है पता नहीं, यहाँ पे क्या रेट है, कितना क्या रेट है दादा, क्या रेट है, 20 रुपये तो 20 रुपये का आएगा।